दोस्तों कल्पना कीजिए, आप अपने घर से दूर किसी शहर में जॉब करने आए हैं और आपकी जॉब का पहला दिन है। आप ओला या उबर सर्विसेज से कैब बुक करते हैं, लेकिन एक घंटे बाद भी आप उसी सड़क पर खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक के बाद एक राइड कैंसिल हो गई है। अगर ये सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो आपकी ही कहानी है, तो हम आपको बता दें कि ये देश के छोटे से लेकर बड़े शहर के हर दूसरे इंसान की कहानी है। अब लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्यों राइड बुक होने के बाद ड्राइवर कैंसिल कर देता है या फिर आपको कैंसिल करने के लिए बोल देता है। अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों आपकी राइड कैंसिल हो जाती है। दोस्तों आपने कई बार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ इस तरह के पोस्ट देखे होंगे। पिछले कुछ समय में ये केसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि उबर कंपनी सर्विसेज ने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इश्यू किया था। इसके बाद इन कंपनीज ने अपनी पॉलिसी में बदलाव भी किए ताकि ऐसे इंसिडेंट कम हो। लेकिन उन बदलाव के बारे में जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर ये सर्विसेज काम कैसे करती हैं। दोस्तों मार्केटिंग की बात करें तो इसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक टर्म होता है। अब ये टर्म का मतलब क्या है? सरल भाषा में कहें तो ये वो कॉस्ट है जो एक कंपनी यूजर को एक्वायर करने के लिए देता है। उदाहरण के तौर पर उबर को ही ले लीजिए। अब नए यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो मार्केटिंग पर स्पेंड करेगा और आपको रेफरल देंगे। मतलब अगर आपने आपके किसी जानने वाले को ये रेफर किया तो आपको कैशबैक मिलेगा या नेक्स्ट राइड पर डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें कंपनी की एक्विजिशन कॉस्ट होती है। अब ओला और उबर जैसी कंपनीज के पास फंडिंग काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पर काफी पैसा खर्च कर सकती हैं। अब जब यूजर्स की संख्या बढ़ेगी तो ड्राइवर्स की संख्या भी बढ़ानी होगी। इसलिए जब ये एप्स को लॉन्च किया गया था तो उन्होंने ड्राइवर की संख्या बढ़ाने के लिए काफी इंसेंटिव्स को लॉन्च किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब ओला उबर के ड्राइवर्स हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी कमाते थे। ऐसा कैसे? दोस्तों पहले ये कंपनीज ड्राइवर की जो इनकम थी उसका सिर्फ 5% शेयर लेती थी। दूसरी वजह थी कि इन ड्राइवर्स को 15 रुपए पर किलोमीटर बेस प्राइस से ऊपर दिया जा रहा था। और सबसे खास बात, इन ड्राइवर्स को पहले कई ज्यादा इंसेंटिव दिए जाते थे। अगर साल 2013 की बात करें तो अगर ये ड्राइवर दिन के 12 राइड्स कंप्लीट करें तो उन्हें 2000 रुपए मिलते थे। अब ऐसे में अगर गाड़ी चलाने से इतने पैसे मिलते हो तो लोगों ने इसे चलाना जैकपॉट से कम नहीं समझा। ऐसे में कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और कई लोगों ने तो जमीन तक बेच दी सिर्फ इसलिए ताकि वो एक गाड़ी खरीद कर ओला उबर में चला सके। कुछ समय तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2016 से सिचुएशन बदलने लगी। इस साल से दोनों कंपनीज अपना कमीशन बढ़ाने लगी। पहले जो कमीशन 5% था, धीरे धीरे बढ़कर वो 10 हो चुका था, फिर 25%, और यहाँ तक कि एक समय बाद इन कंपनीज ने कमीशन के तौर पर 35% लेना शुरू कर दिया था। एक और जहाँ ड्राइवर्स इन कमीशन से परेशान थे, तो वहीं दूसरी ओर इन कंपनीज ने इन ड्राइवर का इंसेंटिव भी कम कर दिया था। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि साल 2013 में इंसेंटिव के तौर पर 2000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन साल 2016 आते आते ये इंसेंटिव महज 1200 रुपए हो चुका था। साथ ही अब ये इंसेंटिव पाने के लिए पहले से अलग अब उन्हें 14 राइड कंप्लीट करनी होती हैं। सोचने वाली बात ये है कि जो कंपनीज शुरुआत में इतनी एम्प्लॉई ओरिएंटेड थी, अचानक अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? तो दोस्तों इनका सीधा जवाब है इन कंपनीज का पुअर बिजनेस मॉडल। अगर ओला की बात करें तो पहले वो ऐसे इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज को दे पा रही थी क्योंकि सॉफ्ट बैंक, स्नैपडील और टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टर से भी उनके पास काफी ज्यादा फंडिंग थी। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे का इस्तेमाल करके कस्टमर को एक्वायर करने का काम कर रही थी अपने ड्राइवर को इंसेंटिव देकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 में ओला के हर दिन का नुकसान 6 करोड़ रुपए था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर दिन का नुकसान 6 करोड़ रुपए। अगर अभी के हालात की बात करें तो ओला के हालात में कुछ खास सुधार नहीं आया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को देखें तो ओला का सालाना नुकसान 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ये तो थी ओला की बात, लेकिन अगर उबर इंडिया की बात करें तो इसकी हालत भी बहुत खराब है। इन्हीं सब रीजंस के चलते कंपनीज काफी समय से ड्राइवर्स के लिए इंसेंटिव कम कर रही हैं। कम इंसेंटिव का नतीजा इन ड्राइवर्स की जिंदगी पर काफी ज्यादा पड़ा है। अब कई ड्राइवर्स ने ईएमआई पर उनकी गाड़ियां खरीदी थी और अब उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो ईएमआई तक भर पाए। और तो और, हम सब ये तो जानते ही हैं कि पेट्रोल के दाम भी
दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन ड्राइवर्स को और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों राइड बुक होने के बाद कैंसिल हो जाती है। सबसे पहली वजह है पेमेंट मोड। ड्राइवर्स को कई केसेस में पेमेंट कैश में चाहिए होता है। दरअसल जब हम कैश देते हैं तो ड्राइवर को वो पैसे तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन ओला पेमेंट जैसी फैसिलिटी से पेमेंट करने पर ड्राइवर्स तक पेमेंट आते आते बहुत वक्त लगता है। अगर कुछ ड्राइवर्स को तुरंत पेमेंट चाहिए और जब वो यूजर से पूछते हैं कि वो किस मेथड से पे करेंगे, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड या ओला मनी कहता है तो वो कैंसिल कर देते हैं या फिर आपको कैंसिल करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी वजह है पिकअप लोकेशन और ट्रैफिक। हम सब के साथ कभी न कभी ये तो जरूर हुआ होगा कि राइड बुक करने के बाद ड्राइवर हमसे हमारा लोकेशन पूछता है, क्योंकि उन्हें कस्टमर की लोकेशन की जानकारी नहीं होती और जैसे ही हम लोकेशन बताते हैं तो वो राइड कैंसिल हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर्स जानते हैं कि वो राइड पूरी करने से उन्हें प्रॉफिट के बदले उसमें लॉस होगा। प्राइसिंग कैलकुलेशन में डिस्टेंस टाइम से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर टाइम की बात करें तो ओला और उबर हर एक मिनट के लिए लगभग 1.58 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं साल 2021 से इसको भी 1 रुपए पर मिनट कर दिया गया। अब अगर हम ड्राइवर कॉस्ट हर एक मिनट के ट्रैफिक के लिए ऐड करेंगे तो 1 रुपया सफिशिएंट नहीं है। अब इन ड्राइवर्स को राइड कैंसिल करने के लिए भी पेनल्टी भरनी पड़ती है, इसलिए वो अनोखे तरीके ढूंढते हैं जिससे कि हम राइड कैंसिल करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन कोरोना काल के वक्त इन कंपनीज की पॉलिसी को बदल दिया गया और अब ड्राइवर बिना पेनल्टी के राइड को कैंसिल कर देते हैं। तीसरी वजह जिसकी वजह से ओला और उबर ड्राइवर्स राइड को कैंसिल करते हैं वो है कमीशन। दरअसल ये ड्राइवर्स कमीशन बचाना चाहते हैं जो इन कंपनीज को जाता है, इसलिए कई बार ये कहते हैं कि आप ऐप पर राइड कैंसिल कर दीजिए और कम पैसे दे दो ताकि इससे दोनों को फायदा हो। तो दोस्तों देखा आपने क्यों ओला और उबर ड्राइवर्स राइड को कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आलस के चलते राइड कैंसिल करते हैं, वो भी काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल इन्हें इनके हक के पैसे कमाने नहीं देता। इसी के चलते कुछ समय पहले ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने अनाउंस किया था कि अब ड्राइवर कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन और पेमेंट मोड दोनों ही देख पाएंगे बुकिंग कंफर्म करने से पहले। अब इससे होगा ये कि या तो ये कैंसिलेशंस कम होंगी या फिर हमें राइड ही ना मिले, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। हम तो बस यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस बिजनेस मॉडल को एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों के लिए ही फायदेमंद बनाया जाए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।